हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण, किरण लविंग गार्डन से। आज मैं आपको ये नर्सरियम के बीज कैसे लगाते हैं आज मैं वो बताऊंगी फ्रेंड्स। ये देखिए, इसे लगाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। ये विंटर का एक खूबसूरत सा पौधा है। इसे अपने गार्डन में आप जरूर शामिल कीजिए। इसे आप हैंगिंग के तौर पर या किसी गमले में किसी पर भी लगा सकते हैं। गमले में ये काफ़ी सुंदर सा लगता है। देखिए, मैंने यहाँ इसे सीड से उगाया है और देखिए, ये लास्ट से मैंने एक ही प्लांट लिया था इसके, और उसके फिर इसके बीज मैंने इकट्ठे कर लिए थे। उसके बाद से मैंने इसकी सीड्स और भी जगह लगा दी। देखिए, मैंने यहाँ पे भी लगाए थे। देखिए, ये भी यहाँ पे भी निकल आए हैं, एक यहाँ पे भी एक निकल आए हैं। देखिए, और यहाँ पे भी देखिए, मैं आप बताती हूँ, आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने बीज से ही उगाए हैं। देखिए, ये भी इसे मैंने कुछ दिन पहले ही ट्रांसप्लांट किया था। तो देखिए, यहाँ पे रिपोर्ट किया तो देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे हो गए। इसमें भी बर्ड्स बन रहे हैं, इसके भी आ रही है कलियाँ। और यहाँ पे भी देखिए, मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स आपको, यहाँ देखिए मैं निकले हुए हैं यहीं पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने बीज लगा दिए थे यहाँ, क्योंकि मुझे ये प्लांट्स बहुत पसंद है सर्दियों का। और इसकी जब लटकते हैं काफ़ी खूबसूरत से लगते हैं। जब घने पूरे घने हो जाते हैं, पत्ते भी इसके बहुत प्यारे लगते हैं। सारे पत्ते भी सिर्फ इसको इंडोर प्लांट की तरह दिखते हैं। देखिए, कितने सुंदर लगते हैं फ्रेंड्स। इसे मैं अब लगाना सिखाऊंगी फ्रेंड्स। देखिए देखिए, इसके ये सीड से इस तरह से दिखते हैं फ्रेंड्स। मैंने कुछ लगाए थे और कुछ छोड़ दिए थे मैं। इसके बाद देखिए, मैं आपको लगाना दिखाती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कुछ ये है, ये एनुअल किस्म के बीज मैंने उगाए थे। यहाँ देखिए तो हो गए हैं, अभी ये जगह खाली है। मैं आपको यहाँ पे लगाना सिखाऊंगी फ्रेंड्स। देखिए, इसकी मिट्टी है ना, बहुत पोरस होनी चाहिए और भुरभुरी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे, तो ये भुरभुरी है यहाँ पे बहुत सारी, तो मैं इसी पे लगा दिखा दूंगी फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ना, देखिए इतनी छोटी, ज़्यादा नहीं, एक इंच की गहराई होनी चाहिए बस, ये हो गए। उसके बाद आप इस तरह से ढक दीजिए, कहीं भी आप लगा लीजिए इस तरह से। उसके बाद आप इस तरह से इसको ढक दीजिए। ये तो हो गया मेरे इस गमले में। मैं अब दूसरे गमले में लगाना दिखाती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे भी देखिए, इसकी मिट्टी भी देखिए, यहाँ पे भी मुझे नहीं पता ये कौन सी प्लांट है। देखिए, मुझे बीज मुझे याद नहीं है फ्रेंड्स। अब अगर आपको पता हो तो प्लीज़ बता दीजिए मुझे कमेंट में कि ये किस चीज़ के बीज है, किस चीज़ के प्लांट है। मैंने बीज से ऐसे खरीदे बहुत सारे, मेरे पास विंटर के बीज थे तो मैंने डाल दिए थे, पर याद नहीं आ रहा कि है ये क्या, ये अफ्रीकन डेसी है या कुछ और है। देखिए तो फ्रेंड्स, ऐसे तो कुछ लग रहे हैं, मुझे पता नहीं। प्लीज़ अगर आपको कमेंट में बता दीजिएगा कि किस चीज़ के प्लांट है ये, पर इतना तो मुझे पता है सर्दी के हैं, पर क्या है मुझे नहीं पता। मैंने इसकी रिपोर्ट भी कर दिया फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ। यहाँ देख लीजिए, मैंने हर एक एक को निकाल के छोटे से छोटे ग्लास में रिपोर्ट कर लिया है। देखिए, थोड़े से बड़े भी हो गए हैं। और इनके देखिए, ये है मेरा करंडुला। देखिए, मेरे करंडुला पर मैंने 20 से उगाया है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, इसे भी मुझे रिपोर्ट करना है, अलग गमले में मैं रिपोर्ट करूँगी फ्रेंड्स। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये देखिए, यहाँ पे ये भी देखिए, आपने मैंने बताया था ना, मैंने रिपोर्ट किया है फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पे भी मैंने रिपोर्ट किया है। ये कल ही मैंने इसे किया था कि कहीं ना कहीं निकल आते, तो जब जैसे गमले खाली होते फ्रेंड्स, मैं वहाँ पर लगा लेती हूँ। देखिए, ये भी निकाले। यहाँ पर देखिए, करंडुला मैंने रिपोर्ट किया है। देखिए, इसके जो मिट्टी है ना, ये देखिए काफ़ी पोरस है। मैं इस मिट्टी में लगाऊँगी ये वाली है। देख लीजिए, ये यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे बस एक ही गमले में लगा दूंगी। हो गया फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा हल्की सा पानी डालती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पानी डाल रही हूँ, हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं डालना है, हल्की हल्की से डालना है चारों तरफ, उसके ऊपर से नहीं डालना है। देखिए, मैंने डाल दिए। उसके बाद मैं इसमें भी डाल देती हूँ, जहाँ जिस पर मैंने लगाया था, हल्की हल्की ऐसे। इसमें तो है ही मिट्टी गिली गिली हुई, हाँ लगा, इसमें भी डाल दिया मैंने फ्रेंड्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरे, ये देखिए मेरे हमारे विंटर प्लांट्स, ये जो प्लांट्स है ना फ्रेंड्स, मैं इसे आपको रिपोर्ट करके दिखाऊंगी। देखिए, यहाँ पे इसके लिए मैंने ये मिट्टी ली है, ऑलरेडी ये गमले खाली हुए हैं। इसमें रेन लिली मैंने एक लगाई थी और इस पर मैं रिपोर्ट करूँगी फ्रेंड्स। इसे देखिए, इसकी मिट्टी भुरभुरी सी है, देखिए बहुत सारी भुरभुरी है मिट्टी, इसे लगाऊंगी फ्रेंड्स। मैं इसे लगा के फिर आपको मिलती हूँ।
आम, मैं इसे निकाल के फिर दिखा रही हूँ आपको। रुकी, देखिए इस तरह से मैं इसे पूरा मिट्टी के साथ ही मिलूंगी। ये इस तरह से देखिए आगे पूरे, देखिए इस कितनी अच्छी सी रूट बनी हुई है। बस इसे इसमें इसी तरह से निकाल के और इस पर पूरे से हल्की सी ये मिट्टी मैं इसमें डाल दूंगी। उसके बाद इसे मैं, देखिए कुछ नहीं करना है फिर, बस इसी तरह से आपको रखना है और उसके बाद ये सारी मिट्टी को चारों तरफ से लगा देना है। बस ये हो गए, रिपोर्ट होगी फ्रेंड्स। और आपको हल्के हल्के पानी से छिड़काव करना है चारों तरफ से। बस ध्यान देना है कि आपको जितने जो सर्दी के पौधे होते हैं ना, उसके ऊपर से पानी नहीं देना है। बस साइड साइड से आपको पानी दे दीजिए और इसे किसी कोने में रख दीजिए फ्रेंड्स। बस इसी तरह से फ्रेंड्स आप अपने गार्डन को सुंदर बनाइए। और इसके बीच आप होश अगर नहीं है तो प्लीज़ इसके पौधे ला के आप अपने गार्डन में शामिल जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।